हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैट इज स्टडी विद मीनल। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप इट वाज गोइंग ऑन अवेसम। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज मीनल कोचर। गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, हमारा आज का टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट हमारे इकोनॉमिक्स, नो नॉट फॉर इकोनॉमिक्स, इट फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। दिस इज़ वेरी यूजफुल। सो शुड आई स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक? बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में करेंगे। ओके, ये इसका है पार्ट 1। ठीक है, चलिए गाइस, अगर अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ बने शेयर कीजिएगा। टिल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। गाइस, आज हमारे सोशल हैंडल्स हैं, अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक विद इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और पहले जाके फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा हमारा थॉट, वर्क हार्ड इन द साइलेंस। मतलब हमें इतने साइलेंस में वर्क करना है कि हमारी सक्सेस नॉइस करे कि यस है, वी हैव अ सक्सेसफुल। वर्क हार्ड इन द साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। चलो अब हम देखते हैं हमारा व्हाट इज डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, देखो डेवलपमेंट इज एन एजुकेशन प्रोसेस। ये क्या है? एक एजुकेशन प्रोसेस है। एट इट्स ट्राइज टू एनहेंस वन एबिलिटी, मतलब वन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेड देयर नॉलेज इन ए यूजफुल वे। चलो ऊपर मैं इसको ब्रेक कर करके आपको समझाती हूँ। देखो ये क्या है, इसे एक एजुकेशन प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस है, मतलब ये जो चलता जाता है। तो ये प्रोसेस क्या बताता है? ये एक दूसरे की एबिलिटी को देखता है, मतलब एनहेंस वन एबिलिटी, मतलब एक पर्सन की एबिलिटी को देखता है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट, मतलब उसको समझने के लिए और उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए। द नॉलेज इज़ द यूज़फुल वे, मतलब इसमें नॉलेज क्या है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़फुल वे में है। और अब हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, ये ट्रेनिंग से डिफरेंट है, मतलब इट इज़ अ नॉट सेम एज ट्रेनिंग। मतलब दिस आर नॉट सेम एज ट्रेनिंग, इट इज़ ऑफ्टन द रिजल्ट इज एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी डेट कम्स विद। मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है मैच्योरिटी में एंड एक्सपीरियंस में। मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और हमारे पास मैच्योरिटी भी आ जाएगी। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब डेवलपमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग अगर हम जानना चाहें ना, तो एक डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा कि मतलब किसी को इस तरह से डेवलप करना उसमें मैच्योरिटी भी आ जाए और दोनों चीज़ें, अगर उसके पास एक्सपीरियंस भी आ जाए तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा डेवलपमेंट में। अब हम डिस्कस करते हैं उसके फीचर्स। इट इज़ अ प्लान्ड एफर्ट, मतलब ये एक प्लान्ड एफर्ट है टू एग्जीक्यूट एबिलिटी टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ असाइनमेंट। मतलब एबिलिटी टू हैंडल वैरायटी ऑफ असाइनमेंट, मतलब बहुत सारे असाइनमेंट्स को हैंडल करने की एक एबिलिटी है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट कंटिन्यूस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। ये क्या है? लॉन्ग टर्म है और ऑन गोइंग प्रोसेस है। इट एम्स टू इम्प्रूविंग टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। इसके एम क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। इट इज़ अ प्रोएक्टिव इन नेचर। ये क्या है? प्रोएक्टिव है। इट फोकसेस ऑन अटेंशन ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज फैक्चुअल रिक्वायरमेंट। इट पे अटेंशन फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ये किसकी तरफ ध्यान देता है? जो इंडिविजुअल होता है और ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ये उसकी तरफ ध्यान देता है। आई होप आपको फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड प्रोग्रामर्स, मतलब जो इनमें यूज़ आते हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। अब देखो हेल्पिंग मैनेजर कैन ऑप्शन, मतलब जो हेल्पिंग मैनेजर होता है ना, वो इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकता है। डिसीजन मेकिंग स्किल, जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है ना, तब हम लोग क्या क्या इन बास्केट मेथड, केस स्टडी मेथड एंड बिजनेस गेम मेथड। इन बास्केट मेथड क्या होता है? एक बास्केट के अंदर
हम लोग डालते हैं केस स्टडीज, मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं, और बिजनेस गेम एक मेथड होता है। और फिर जॉब नॉलेज, इसमें क्या होता है ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, मतलब उनको जॉब पर रहते हुए ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। फिर कोचिंग, कोचिंग और फिर एक अंडरस्टैंडिंग, ये तीन मेथड्स हैं। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें क्या आ जाएगा, रोल प्ले आ जाएगा, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आ जाएगी, बिहेवियर मॉडलिंग आ जाएगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या आएगा, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन। कॉन्फ्रेंस मतलब हमने देखा एक ऑफिस में ही कॉन्फ्रेंसेज होती है, लेक्चर्स दिए जाते हैं, ग्रुप्स में डिस्कशन होता है, जैसे मतलब ग्रुप्स बना दिए उसमें डिस्कशन हो रहा है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कोई प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो ये सब किस में आएगी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में आएगा। फिर अब हम लोग देखेंगे, सॉरी, रिसोर्सेज ऑफ एनी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द सेलेक्शन ऑफ मैथड, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सा मैथड को सेलेक्ट करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम शुड बी कैप्ट इन माइल वाइल यूजिंग द पर्टिकुलर मैथड, इन फैक्ट नो सिंगल टेक्निक इज सफिशेंट, सो एज सुटेबल कॉम्बिनेशन एंड टेक्निक इज सेलेक्टेड टू अचीव द गोल इज रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में शो ऑफ करेगा। सो आई होप ये आपको सबको समझ आ गया होगा, हमने जितना भी डेवलपमेंट को डिस्कस किया है, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। एक बार चलो मैं रिवीजन बता देती हूँ, हमने सबसे पहले डेवलपमेंट को जाना, डेवलपमेंट क्या होता है, ये ट्रेनिंग से एकदम डिफरेंट होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट और मैच्योरिटी को लाना, इसके फीचर्स होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, प्लान एग्जीक्यूटिव की एबिलिटी को होता है, लॉन्ग टर्म फैक्ट्स होता है, मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके मेथड्स क्या क्या हैं, फिर इसमें कौन कौन से हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग तीन मेथड यूज़ करते हैं, इन बास्केट, केस स्टडी, बिजनेस गेम, फिर जॉब नॉलेज, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, कोचिंग एंड अंडर स्टडी, फिर इंटरपर्सनल्स में ऑन द जॉब, और फिर ये होता है। सो गाइज थैंक यू सो मच आपने मेरे को ज्वाइन किया, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो कीप डूइंग वेल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसका 5 सेकंड, तब तक ले बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, स्टडी वेरी वेरी।